दोस्तों, हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में भारतीय क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। जिस सम्मान के साथ देश को आजाद कराने में भारतीय क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, उसी जगह देश में सामाजिक अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी गर्व से लिया जाता है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जिस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों से गुलाम था, जहां पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ देश को आजाद कराने की लड़ रहे सरदार भगत सिंह भी जिंदा थे। उस समय देश में जातिवाद चरम सीमा पर थी। उस समय एक अछूत को छूने से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यहाँ तक कि एक अछूत को पूरे बदन कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था और न ही कुएं से पानी पीने का अधिकार होता था। यानी छोटे जातियों पर अत्याचार किए जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है भगत सिंह एक ऐसा व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ तो थे ही, लेकिन देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए भगत सिंह लड़ाई भी लड़ रहे थे। दरअसल इसकी कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी है। एक बार भगत सिंह रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। भगत सिंह पानी पीने के लिए ट्रेन से उतरते हैं, तभी इनकी नजर कुछ दूर पर खड़े एक शख्स पर पड़ी जो धूप में नंगे बदन खड़ा था और बहुत भारी वजन उसके कंधे पर रखा था और तरसती हुई आंखों से पानी की तरफ देख रहा था। मन में सोच रहा था कि मुझको थोड़ा पानी मिल जाए। तभी भगत सिंह की नजर उस शख्स पर पड़ती है। भगत सिंह उसके पास गए और उससे पूछने लगे, आप कौन हो और आप इतना भारी वजन को धूप में क्यों उठाए हुए हो? तभी उसने डरते हुए कहा, साहब आप मुझसे दूर रहें, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। भगत सिंह ने कहा, आपको प्यास लगी होगी, पहले इस वजन को उतारो और मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, आप पानी पी लो। भगत सिंह के इस व्यवहार से वह शख्स बहुत ही खुश हुआ। भगत सिंह उससे पानी पिलाया और उससे पूछने लगे कि आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हो? उसने जवाब दिया कि अछूत मैं नहीं कहता साहब, अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग कहते हैं कि आप अछूत हो, तुमको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मुझसे जानवरों की तरह सलूक करते हैं, यहाँ तक कि मुझको सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का भी अधिकार नहीं है और ना ही छाया में खड़े होने का अधिकार है। तब भगत सिंह को आभास हुआ कि मुझको तो बचपन से ही बताया गया है कि देश अंग्रेजों से गुलाम है, पर यह तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। हमारा देश तो एक वर्ग विशेष से गुलाम है जो धर्म के नाम पर भारत को मूर्ख बनाए हुए हैं। भगत सिंह सोचने लगे, देश अंग्रेजों से आजाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को आजाद कौन कराएगा? तब भगत सिंह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना। उस समय बाबा साहब विदेश में थे। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में लिखा है, मैं तो अभी तक नकली दुश्मनों से ही लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में ही है जिससे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और साहू जी लड़ रहे हैं। फिर भगत सिंह ने प्रतिज्ञा किया, अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन भीमराव अंबेडकर और साहू जी के साथ रहते हुए इन अछूत अस्पृश्यता का अंत और भारतीयों की आजादी के लिए लड़ूंगा। मगर भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई।